है कि प्रयास में अपराध दर्ज होने वाले 82 वर्षीय आरोपी ने अदालत परिसर में एक महिला वकील को चाकू मार दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे की है। इस घटना से कुछ समय के लिए अदालत परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हो गया था। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी अपने स्टाफ के साथ कोर्ट में पेश हुए, वही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार ने अधिक जानकारी साझा की। आज दिनांक 22/3/2022 रोजी माननीय वर्धा न्यायालय परिसरामध्ये आरोपी भीम गोविंद पाटील हे पोलीस स्टेशन फुलगाव येथील एका क्रिमिनल केसमध्ये आरोपी म्हणून हजर झाले होते। त्याच केसमधील फिर्यादी असलेली महिला वकील श्रीमती योगिता मन हे सुद्धा तिथे हजर होते। त्या दरम्यान दुपारी 1 वाजताच्या आसपास आरोपीने चाकूने पाठीमागून महिला वकिलावर हल्ला केला, त्यामुळे त्यांना जखम झाली आहे। ते सेवाग्राममध्ये उपचार घेत आहेत। आरोपी ताब्यात आहे आणि बयानाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। आम्ही त्याच्याबाबत जास्त माहिती घेत आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur।